वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह दूजे पातशाह तिना दा आगमन पुरब है। सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे बड़ी श्रद्धा के भावना नाल मनाया जा रहा है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपने जीवन काल के अंदर 7 साल गुरु अंगद देव जी महाराज की संगत की। गुरबाणी के कथन मुताबक पए कबूल खसम नाल जा काल मरदी काली, सतगुरु की कृपा के पात्र बन के 2 भब्बे उन्होंने जीवन के अंदर धारण किए, भब्बा पुंडा जी भब्बा भाणा जी। सतगुरों ने कृपा की, गुरु नानक दी जोत दे मालक बने। उस तो बाद सतगुरों ने बाणी भावें बहुत घट उच्चारण की पर गुरमुखी अखरां नाल संगतां नूं जोड़न वास्ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने बड़ा प्रचार किया। गुरु नानक पातशाह जी का इतिहास संभालिया, गुरबाणी की संभाल की। आखिर सतगुरु महाराज ने बेपरवाही दे नाल जीवन बतीत करन दा ढंग, जदों हमायू आया तो हमायू ने सतगुरों के उत्ते जो तलवार कढ़ी तो सतगुरु महाराज ने एक गल कही सी, जिथे तलवार की लोड़ सी शेर शाह सूरी के सामने, उत्थे तेरी तलवार खुंडी हो गई तो हुण दरवेशां दे उत्ते तू अपनी तलवार चलाना। सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने सानू जिवें माला खाड़े एक्सरसाइज जिहड़ा है शरीर की कसरत करन वास्ते भी प्रेरणा की। सतगुरु महाराज के टाइम विच दोवें लंगर चले, शब्द का भी जिहड़ा आत्मा वास्ते शरीर वास्ते भी सतगुरु महाराज ने लंगर चलाए। दौलत लंगर वंडिए रस अमृत खीर क्याली बारे बचन आपां सतगुरों की बाणी विच पढ़दे हां। सतगुरों का आगमन पुरब मनांदिआं होइआं सानू अपने जीवन के अंदर बाणी नाल जुड़ना चाहीदा, इतिहास नाल जुड़ना चाहीदा, जिस नाल साडा लोक नाल परलोक सौरेगा। नाल ही अज भगत धन्ना जी का भी जिहड़ा है वह जन्म दिहाड़ा है। भगत जी के 4 शब्द गुरबाणी के अंदर दर्ज ने जिहड़े सानू ये प्रेरणा करते हैं कि निरौल वाहिगुरू परमात्मा की भगती करके वाहिगुरू के कृपा के पात्र बनया जा सकता है। धन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके का स्वार्ता वाला शब्द भी आप पढ़ते हाँ। ये सतगुरु महाराज ने कृपा की साढ़े उत्ते। सारिआं नूं बहुत बहुत गुरु अंगद देव जी और भगत धन्ना जी के जन्म दिहाड़े की वधाई जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।